सब हम नहीं जानते, तुम पहले हटो। अरे करेजी पथरी तुम्हारा एक कर देंगे, समझा ना? फिर प्लीज आप लोग शांत रहिए, ज्यादा तुम मत बढ़ो। शांत रहो आप लोग, यार क्या कर रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो, बैठो एक मिनट के लिए। आप इसे भूल जाओ। अरे सब क्या आप लोग नाटक कर रहे हैं, एक कैमरा बंद कीजिए तो, पहले ये सब नाटक बंद कीजिए सब। एक सेकंड आप बात तो सुन लीजिए। क्या बात है, ये सब नौटंकी कर रही है आप लोग, बात सुनिए। नौटंकी नहीं कर रहे, ये सब इज्जत का फालूदा मिला दी है, पूरा एकदम नौटंकी बाज हो गई है। आप बिना जाने पहचाने ऐसा कैसे? क्या नहीं जान रहे इसके बारे में, क्या हमको जानना है, ये सब नौटंकी बाज ही है। बताइए इनको, मेरा एक बीएफ था, उससे मेरा 2 साल का रिलेशन। बीएफ था तो पहले नहीं पता था, पहले नहीं, तुम क्यों नहीं बताई? पहले हमको समय नहीं मिला था बताने के लिए। समय नहीं मिला था तुमको, अब बता रही है तो अब तो सुन लो ना। इसका क्या बात पर भरोसा किया जाए, ये तो नौटंकी बाज है पूरा, तो तुम लोग नौटंकी करते रहोगे हमको जाना। सुनिए ना, क्या बात है, बैठे नहीं, क्या आप बैठे हैं, तुम्हारा नौटंकी सुनने के लिए? अरे हमको टाइम नहीं मिला था इसीलिए, लेकिन अब हम बता रहे हैं, अब से कोई चीज़ तो तुमको शादी से पहले ये सब बात बताना चाहिए था कि हाँ क्या बात है क्या नहीं है। वो 2 साल से मतलब 6 महीने से वो गायब हो गए थे, तो नहीं उन्हें खोज पाए और फैमिली की मर्जी से शादी हो गया था। अच्छा, इसीलिए। और फिर मतलब फिर क्या सोच रही हो आगे? आगे हम सोच रहे हैं कि मतलब आपके साथ रहें और उनसे बस एक मिनट मतलब एक बार मिलना चाहते हैं, उनसे पूछना अच्छा। चाहते हैं वो कहाँ गए। और तो हम तुम्हारे प्यार का बकरा हम ही एक मिले थे बनने के लिए। अरे यार बात तो सुन लो ना, ऐसा नेगेटिव क्यों सोच रहे हो इसके बारे में, अभी तो बता रही है ना सब कुछ। नौटंकी बाजी कर रही है तो हम इसका क्या सुने? उस टाइम भी अगर की होती तो क्या पता तुम ऐसा ही बोलते। इस टाइम कर रही, पहले बता देती, पहले का कुछ अलग होता है, ये अभी बता रही है, इतना हो जाने के बाद बता रही है। तो ये तो बोल रही है ना इसको तुम्हारे साथ ही रहना, आगे देख तो लो क्या करना चाहती है, सुन तो लो। ठीक है सुनाओ, क्या सुना रही है? मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो हमसे मिलना चाहता है। ठीक है देखो, अब जब तुम्हारा इतना नौटंकी हो गया तो ये भी नौटंकी देखा जाएगा, क्या नौटंकीबाजी कर रही हो, अब क्या कहा जाए। वो हमको बुलाए यहाँ पर और हम आपको उनसे मिलाना चाहते हैं। तो हम मिलना नहीं चाहते हैं यार, हमको क्यों इसमें घसीट रही हो? एक बार तो सुन लीजिए ना। क्या अब बोलो। वो आएंगे तो हम उनसे मिल लेंगे और आगे से ऐसे कुछ बात हम नहीं छुपाएंगे आपसे। ठीक चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज इनका बॉयफ्रेंड आने वाला है, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता है। A few moments later. अरे यार, ये सब कैसे हो गया? ये छोड़ ना, पहले तुम ये बताओ ये क्या हुआ? मेरी शादी हो गई है। शादी हो गई? और कहाँ थे इतने दिन से? क्या शादी? क्या हमसे शादी किसी और से? यार मजबूरन हुआ था। मजबूरन? तुम्हारा कॉल वॉल कुछ नहीं लग रहा था, सारा बंद था। में था तो सारे सब जगह से पूछे थे, तुम्हारे दोस्त ही सब से पूछे, लेकिन सारा चीज बंद और सब हम मजबूरी में शादी की है। कोमा में था इसीलिए मैं कॉल वॉल नहीं अटेंड कर पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। लेकिन अब तुम क्या कर सकते हैं? वो सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। नहीं हम नहीं जा सकते हैं, हम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं। और हम मेरे साथ कुछ नहीं था, हम बोल तो रहे हैं मजबूरी में मेरी शादी हुई थी ना। मजबूरी में क्या? अब क्या हुआ, अब चलो मेरे नहीं साथ। हम जा सकते हैं। क्यों? हम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं। मैं सब कुछ नहीं करती थी। करते थे। अरे यार क्या तुम कुछ नहीं था? देखो प्लीज तुम मेरी बात को समझो। क्या समझूं मैं? प्लीज क्या समझूं? तो हम अपने मर्जी से नहीं किए हैं शादी ना, प्लीज तुम तो समझ सकते हो ना मेरे बात को। मैं नहीं जानता हूँ, चलो मेरे साथ अब। हम नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकती हो? मेरी शादी हो गई है। शादी हो गई तो उससे क्या हुआ, प्यार तो तुमसे करते थे ना हम। तो तुम गायब थे ना 6 महीना से। गायब थे तो बताया ना मैंने, कोमा में था मैं। तुम बात को समझो, प्लीज जाओ यहाँ से।
मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मेरे बात को समझो ना। क्या ये सब हटाओ पहले, क्या ये सब हटाओ, नहीं ये सब हटाओ, क्या आपके आगे प्लीज आप चुप रहिए ना। यही तो नौटंकी करने के लिए बुलाई हो ना। सब हम नहीं जानते, तुम पहले हटो। अरे करेजी पता ही तुम्हारा एक कर देंगे, समझा ना। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम नहीं जाएंगे, हम लोग प्यार करते थे, करते हैं। हटो। सुनो ना, इतना मार मारेंगे ना कि फिर लगा कर जाओगे जहाँ से फिर से आएगा। समझ लो, तुम ठीक से बोल रहे हो, तुम समझ लो। हम प्यार, हम प्यार से पेश आ रहे हैं तो तुम गुंडाई से पेश आओगे? गुंडाई अभी दिखाई कहाँ की है? अच्छा, दिखाए गुंडाई? हमारा गुंडागर्दी नहीं देखो, दिखाए गुंडाई? अरे ज्यादा मत बोलो, बोल रहे हैं ना, शांत रहिए ना। जाओ, वो सब हम नहीं जानते भाई, तुम हटो पहले, अभी बात करने दो हमको इसे। अच्छा, बोल रहे तुम बात करने दो हमको। अच्छा, चलोगी मेरे साथ? नहीं। क्यों नहीं? हम नहीं जा सकते ना, हमारी शादी हुई है ना, हम कैसे जा सकते हैं? अरे यार बोरन, चलो ना मेरे साथ। हो गया ना, सुन लिया ना, और कुछ, और कुछ चाहिए? बोल रहे हैं ना कि तुम दूर रहो, तुम्हारा वक्त कहीं खत्म हुआ ना। अरे बोल रहे ना, रुको, फिर प्लीज आप लोग शांत रहिए, ज्यादा तुम मत बढ़ो। शांत रहो आप लोग, यार क्या कर रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो, बैठो एक मिनट के लिए। ये बहुत गुंडागर्दी दिखा रहे हो, ज्यादा मत ऐसी करो, समझा ना। आप क्यों नहीं समझ रहे हो, इनके शादी हो गई है उनके साथ, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? शादी हो गई ना, शादी टूट नहीं सकता है ना, शादी तोड़ना इतना आसान है? अरे तो जब प्यार करता था तो क्यों नहीं शादी किया तू यार? मैं कोमा में था, कोमा में था तो फिर से कोमा में भेज देंगे, चुपचाप जाओ घर, नहीं तो समझ गया ना। शांत रहिए ना, अब समझ नहीं। देखिए आप भी अच्छे से बात कीजिए ना, अगर सामने वाला आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो। इसको हम समझा रहे हैं कि शादी हो गया है, तब पर भी आकर के हक जमा रहा है। एक सेकंड के लिए, ठीक है? हर कुछ गुस्से में आने से नहीं होता है, सिचुएशन को देखिए और आप समझिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। इनकी अरेंज मैरिज हुई है, दो परिवार की इज्जत की बात है, और यहाँ पे आपको ही समझना होगा, आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा कि जो होना था वो हो चुका है। हम ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अगर ये आपके साथ जाती है तो दो जिंदगी, दो जिंदगी के साथ साथ दो घर भी बर्बाद होगा, उसकी इज्जत का क्या? उनकी इज्जत के लिए मैं अपना प्यार छोड़ दूँ? प्यार है तो लड़की से पूछो ना, आप क्या चाहते हो? तुम इसके साथ जाना चाहती हो? नहीं, इसको भेजो जल्दी, नहीं तो हमारा खत्म हो जाएगा, फिर इसको खत्म। और तुम जाओ यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि हम शादी की है ना, ऐसे ये सब रिश्ता टूटता थोड़ी ना है। प्लीज देखिए आपको, और आप आराम से बात भी तो कर सकते हैं। समझ सकती हूँ, ये पहले गर्म हो रहा है तो इसको क्या करें, तुम ही सोचो कि आपके साथ क्या कैसे सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, आप, आपको क्या क्या देख रहे हो। आप एक तो कोमा में थे, ऊपर से आप जब कोमा से आए तो आपने देखा आपके गर्लफ्रेंड किसी और के साथ शादी हो चुकी है। मैं समझ सकती हूँ आपका सिचुएशन भी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है, आपने बहुत देर कर दी। तो मैं अब क्या करूँ? आप इसे भूल जाओ। मैं इसे नहीं भूल सकता हूँ, प्लीज यार मुझे, प्लीज ऐसे देखिए, प्लीज यार, प्लीज आप बात को समझो ना, प्लीज उठो, प्लीज अब उठो, पहले बैठो यहाँ पे। देखो तुम देखो यार, प्लीज मेरी हो जाओ, तुम नहीं हो सकते है ना, प्लीज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज अब तो अब कुछ नहीं हो सकता है यार, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा यार, बोल रहा हूँ ना। नहीं अब तुम मुझे भूल जाओ प्लीज, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। तो यार देखो, संभालो खुद को, मैं क्या बोलूँ, आप संभालो खुद को, अब कुछ नहीं हो सकता है। इसका पति बगल में, इसका ससुराल है, इसका अपना परिवार है। क्यों ऐसा कर रही हो? प्लीज तुम जाओ यहाँ से, नहीं जा सकता मैं। आप देखो, उठो पहले, यहाँ बैठो, ठीक है, उठो।
बैठो आप यहाँ पे, संभालो खुद को। यार प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज छोड़ो प्लीज। यार क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर रहे हो? देखो तुम दोनों इतना जब प्यार करती हो तो बोलो हम छोड़ दें, रहोगे साथ में उसके? तो क्या चाहती हो तुम दोनों बोलो? इज्जत का तो फलूदा कर दोगी, इससे अच्छा जब साथ में रहना चाहती हो तुम दोनों तो रह सकती हो। देखिए हम इनको समझा रहे हैं ना, आप प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज आप यहाँ से जाओ। मैं जाके क्या करूँ? आप दूसरी शादी कर लो ना। इधर आओ, पहले आप मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो तुम्हारी? मैं आपको मेरी कसम है, आप यहाँ से जाओ। अगर आप हमसे प्यार करते तो आप जाओगे यार? प्लीज नहीं, मैं नहीं जा सकता। प्लीज यार, यार संभालो तुम लोग खुद को। क्यों कर रही हो? उठो यार, उठो तुम लोग, उठो। देखो मैं क्या बोलूँ, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तुम्हारे भी सिचुएशन पता और इसकी भी पता है, तो प्लीज़ अच्छा यही होगा कि आप चले जाओ इससे दूर। मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, इसके जल्दी ख़राब होने से बचा लो। हम तुमसे भीख मांग रहे, प्लीज चले जाओ यहाँ से। देखो मेरे पति भी गुस्सा से चला गया, वो घर जाके क्या करेगा? उठो उठो, पहले तुम उठो, उठो छोड़ो। यार देखो तुम संभालो खुद को, अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए, ठीक है? जैसा होगा संभालो अब खुद को, ठीक है?